नमस्कार फ्रेंड्स, प्रकाश हियर, टैरो कार्ड रीडर। ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं ये कर्नाटका पे है। ये देखिए, इससे पहले भी मैंने कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए एक रीडिंग दी थी काफ़ी पहले, पिछले साल। और जैसे कि मैंने कहा था उस रीडिंग में भी, जनवरी 2019 में ड्रामा शुरू हो गया था, बट उस ड्रामे को उस समय बीजेपी कैपिटलाइज नहीं कर पाई और कुमारस्वामी गवर्नमेंट टिकी रही। अब फिर से कुमारस्वामी गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस जेडीएस गवर्नमेंट, इसमें कांग्रेस और जेडीएस में खींचतान शुरू हो चुकी है। तो क्या होने वाला है? अभी कल ही मैंने पेपर में पढ़ा कि कांग्रेस ने अपने दो चार लोगों को भेजा है मामला ठीक करने के लिए। तो एक्चुअली क्या चल रहा है कुमार स्वामी और बाकी लोगों के दिमाग में? ये देखिए, कुमार स्वामी कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। जिस तरीके से उनका बेटा हार गया, उनके पिताजी हार गए, तो कहीं ना कहीं मिर्ची लगी है और वो अपने आप को सेफ करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए ये ड्रामा उन्होंने चालू किया है। और कहीं ना कहीं प्राज्वल रेवन्ना के ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क हैं कि उन्होंने कुछ गलत बयानबाजी, जो इलेक्शन कमीशन को जो डिक्लेरेशन देते हैं उसमें कुछ गलत भेजा था, लिखा था, और जिसकी वजह से उनकी पात्रता रद्द हो सकती है और उनकी जगह जो सेकंड आए थे उनको विजयी घोषित किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उन्होंने कि उस चीज़ से ध्यान हटे और शायद ये सब शुरू किया है। कहीं ना कहीं अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं ये। देखिए, क्विक एडजस्टमेंट्स में लगे हुए हैं। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी। Here, look at this card. क्या होगा फिर आने वाले 10 दिन में? कॉम्प्रोमाइज क्लियर कट दिखता है कांग्रेस और जेडीएस में। कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ये लोग रीच करेंगे। इनका क्या है? ये है येदियुरप्पा जी के कार्ड्स। इनका क्या चल रहा है? ये काफी अगले 10 दिन तक बिजी रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक दिखता है, क्योंकि जैसा सोच रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। सिद्धरमैया जी शांति से हैं बिल्कुल, और सबसे बड़े खिलाड़ी तो ये दिखते हैं मुझे। सिद्धरमैया जी के जो कार्ड्स हैं, मेरे ख्याल से यही नहीं चाहते कि कुमारस्वामी गवर्नमेंट आगे बढ़े। यही चाहते हैं कि कुमारस्वामी रिजाइन कर दें, सो दैट कांग्रेस का सीएम बने और ये खुद सीएम बने। कहीं ना कहीं इनकी महत्वाकांक्षा है, ये दिखता है। ये जो रीडिंग है ना, इसके पहले भी मैंने एक अलग तरीके से रीडिंग की थी, उसके बाद फिर से ये रीडिंग की और वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो ये दोनों रीडिंग्स का मिला के मैं आपको बता रहा हूं। फिर क्या होगा जून में? क्या होगा येदियुरप्पा के कार्ड? नहीं, अगर जून में येदियुरप्पा ट्राई करते हैं टॉपल करने को गवर्नमेंट को, तो आसान नहीं होगा येदियुरप्पा के लिए। मुंह के बल गिरेंगे। जून में इन्होंने शांति से बैठना चाहिए। जून में कुमारस्वामी किसी तरह बच जाएंगे, लेकिन क्या होगा जुलाई? जुलाई में स्ट्रांग चांसेस है कुमारस्वामी गवर्नमेंट के टाटा बाय बाय करने के। तो अगर येदियुरप्पा चाहते हैं सीएम बनना, तो उन्होंने जो भी कुछ करना चाहिए वो जून एंड में या जुलाई में करना चाहिए। फिर जुलाई में ही टाटा बाय बाय का चांसेस अच्छा है कुमारस्वामी गवर्नमेंट का, और येदियुरप्पा का भी जुलाई महीना अच्छा है, चांसेस है उनके। टीम वर्क के थ्रू अगर करेंगे तो ही कैन बिकम सीएम, बट नॉट इन जून। जून में कुछ भी करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, प्रॉब्लम होएगा, इनका नाम खराब होएगा। ये जो है सिद्धरमैया जी, ये पर्दे के पीछे के खिलाड़ी दिखते हैं।
ही इज ओके विथ वॉट इज गोइंग ऑन, इनकी सेहत पे कुछ खास फर्क पड़ते हुए दिख नहीं रहा है मुझे। तो पिछली रीडिंग जो मैंने की थी अभी ये रीडिंग के जस्ट पहले और ये जो रीडिंग है, इसका मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि फिलहाल ये जो खींचतान चल रही है कांग्रेस और जेडीएस दोनों में, ये कहीं ना कहीं दे विल रीच टू सम कॉम्प्रोमाइज और ये थोड़ा एक आध महीना और चल सकती है, गवर्नमेंट खींच सकती है। एक आध महीने में कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी और फिर जुलाई में हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि जुलाई में अगर कुछ होना है तो जुलाई में होगा। अब भी रिसेंटली होते हुए दिखता नहीं है कि अगले 10 दिन में 15 दिन में गवर्नमेंट गिर जाएगी, कुमार स्वामी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं दिखता है। अगर होना है तो जो भी होगा जुलाई में होगा। अगर अभी प्रयत्न करेंगे बीजेपी या येदियुरप्पा के लोग, मुंह के बल गिरेंगे, कहीं ना कहीं वापस से जैसा जनवरी में हुआ था वैसा का वैसा हो जाएगा और प्रॉब्लम होगी, नाम खराब होएगा येदियुरप्पा का। तो इन्होंने शांति से बैठना चाहिए येदियुरप्पा ने। दैट्स माई प्रिडिक्शन।